भारत बंद आज। जी दोस्तों, सही सुना आपने, भारत बंद आज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट से लेकर परीक्षाओं पर भी पड़ सकता है असर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी व्यूवर साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 8 जनवरी है, और 8 जनवरी में आज एक बहुत बड़ी देशव्यापी हड़ताल है। देश की विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने आज यानी कि 8 जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। इस वजह से बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और सुविधाएं प्रभावित होंगी। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और बैंक यूनियंस नरेंद्र मोदी सरकार की कथित राष्ट्र विरोधी और जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आगे खबर है कि 8 जनवरी को भारत बंद, कई बैंक यूनियन हड़ताल पर, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग जैसी सुविधा हो सकती है प्रभावित। देश की विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने बुधवार को 8 जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। इस वजह से बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और अन्य सुविधा प्रभावित होंगी। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और बैंक यूनियंस नरेंद्र मोदी सरकार की कथित राष्ट्र विरोधी और जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ट्रेड यूनियंस का दावा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्रेय मंत्री संतोष गैंगवार के साथ बैठक करने के बाद भारत बंद का आह्वान किया है। दावा किया जाता है कि 25 करोड़ लोग इस देशव्यापी हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आम लोगों से जुड़ी सुविधा पर इस हड़ताल का क्या असर पड़ सकता है। बैंकिंग सुविधाओं पर क्या होगा असर? देशव्यापी भारत बंद का बैंकिंग सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA ने एक बयान में कहा है कि 8 जनवरी को होने वाले भारत बंद में 6 यूनियंस शामिल होंगी। बैंकिंग सुविधाएं जैसे ATM के अलावा शाखा में पैसे निकालने और जमा करने जैसी सुविधा पर हड़ताल का असर पड़ सकता है। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी IMPS पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं प्राइवेट बैंकों पर इसका असर नहीं होगा। आगे खबर है कि क्या स्कूल बंद रहेंगे? फिलहाल बंद को लेकर स्कूल में छुट्टी का कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि कल होने वाली परीक्षाओं पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम आपको बताते हैं कि 8 जनवरी के UPTET 2019, JEE मेंस और ICCAR NET जैसी अहम परीक्षाएं होनी हैं। ट्रांसपोर्ट सुविधाएं पर प्रभाव पड़ने से स्थिति में छात्र छात्राओं के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बंद के कारण इन परीक्षाओं के रद्द होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से सुनाई जा रही है, और आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर ये आपको न्यूज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए US खान को दें इजाज़त। धन्यवाद।